नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में। पूजा शुरू करते हैं प्रमुख खबरों से। विंध की शान व देश के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में एक सैन्य स्कूल रीवा में भारत की पाकिस्तान पर जीत की 50वीं वर्षगांठ तथा बांग्लादेश की स्थापना के अवसर पर स्वर्णिम विजय वर्ष व विद्यालय के वार्षिकोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। आपको बता दें कि सन 1971 के युद्ध में भारत के वीर जवानों ने पाकिस्तान को बुरी तरह से पराजित किया था। वह एक महान विजय थी जिसके 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश भर में स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया जा रहा है। इससे संपूर्ण राष्ट्र गौरवान्वित हो रहा है। इस गरिमामयी अवसर पर सोमवार व मंगलवार को सैनिक स्कूल रीवा में स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह का आयोजन लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, GOC हेडक्वार्टर मध्य भारत एरिया के मुख्य आतिथ्य में किया जा रहा है। भारी बारिश के चलते मंगलवार को कई कार्यक्रमों को निरस्त कर दिया गया। आपको बता दें कि 1971 के युद्ध में सैनिक स्कूल रीवा का भी विशेष योगदान रहा है। सैनिक स्कूल रीवा के पूर्व छात्र दो लेफ्टिनेंट मोहिंद्र पाल सिंह चौधरी ने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए युद्ध के दौरान दिए गए मिशन को पूरा किया तथा वीरगति को प्राप्त हुए। इसी प्रकार विद्यालय के भूतपूर्व आर्ट मास्टर RS बावनी को उनके द्वारा 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के आत्मसमर्पण पर बनाए गए स्कल्पचर के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 4 अक्टूबर को शाम 6 बजे जैक राइफल रेजिमेंट सेंटर जबलपुर से स्वर्णिम विजय मशाल सैनिक स्कूल रीवा पहुंची, जिसको कर्नल राजेंद्र वेंदा प्राचार्य सैनिक स्कूल रीवा के द्वारा प्राप्त किया गया एवं मनकेशा सभागार में स्थापित किया गया। जबलपुर व ब्रिगेसी श्रृंखला में जैक राइफल रेजिमेंट सेंटर जबलपुर के बैंड के द्वारा म्यूजिकल इवनिंग का आयोजन किया गया। इस भव्य समारोह का आयोजन पूर्ण रूप से कोरोना प्रोटोकॉल के अंदर किया जा रहा है, जिसका आयोजन 5 अक्टूबर को होना था, लेकिन बारिश के चलते इन कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। इस दौरान काफी बारिश से जहां नुकसान हुआ तो वहीं आउटडोर कार्यक्रम को भी निरस्त किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान ब्रिगेडियर ने बताया है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम है, सभी लोग शामिल हो सकते हैं। 100 मशालें देश के विभिन्न कोनों पर भेजी गई थी, उनमें से एक मशाल रीवा पहुंची है। आइए दिखाते हैं कार्यक्रम की झलकियाँ और आपको सुनाते हैं पत्रकार वार्ता के दौरान क्या जानकारी दी गई। जो स्वर्णिम विजय वर्ष ज्योति, जो इसकी 4 ज्योतियां देश के हर कोने में भेजे गए पिछले साल 16 दिसंबर को,
उसमें से जो एक ज्योति आज रीवा में आई हुई है। 1971 इंडो पाक वॉर का जो हमारा शानदार विजय हुआ था देश का, उसके 50 साल पूरे होने पर लोग उनमें से जो 1971 के बाद इस दुनिया में आए होंगे, उन सबको इस विजय के बारे में बताना है किस तरीके से लड़ाई लड़ा गया था और किस तरीके से हमने ये विजय को प्राप्त किया, उसको हर नागरिक को उसके बारे में जानकारी देना है। अवेयरनेस ऑफ 1971 विक्ट्री, उसको बढ़ाने के लिए ये सेलिब्रेशंस किया जा रहा है। और सैनिक स्कूल में आने का स्पेशल उद्देश्य यहाँ पर है, हमारे बडिंग सोल्जर्स, बडिंग सिटीजन्स ऑफ द कंट्री जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्कूल में एजुकेशन पा रहे हैं, उनको अगर हम इस ज्योति को यहाँ ले आने से उनको कोई प्रेरणा हम दे सके, दैट विल बी अ गुड थिंग। दैट्स व्हाई इट इज़ इन द सैनिक स्कूल टुडे। एंड मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज जब ज्योति आई इधर रीवा में और हम एक रीत लेइंग करने गए थे, जैसे ही इस मेमोरियल में जो हमने रीत ले किया, रीवा की ऊपर जो बादल पूरे गरज पड़े और बारिश हुई थी, जो इसको मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी वोमेन है। और दूसरा मुद्दा सैनिक स्कूल रीवा में आने का ये है कि 1971 वॉर में एक सेकेंड लेफ्टिनेंट महेंद्र पाल सिंह चौधरी, जो इस स्कूल में पूरी 6-7 ईयर्स एजुकेशन लेने के बाद जो फौज में ऑफिसर बन के गए, उन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ लाइफ दिया है। इस विजय का फ्लेम ले आना अपने आप में एक बड़ी बात है, और देयरफॉर आई थिंक आज रीवा में स्वर्णिम विजय वर्ष ज्योति का होना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिग्नल एज वेल एज ओकेशन है हम सब के लिए। तो आप पूछ सकते हैं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।